हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर वन आपका नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कर रहे थे, है ना। और लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, भिन्नों का गुणन। गुणन करने का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन करना सीखा था। तो जो बेसिक रूल है, रूल यही कहता है कि अगर आपके पास कोई दो फ्रैक्शन हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बटा बी, और इसको गुणा करना है आपको दूसरे फ्रैक्शन सी बटा डी के साथ, तो आप क्या करते हो, सीधे ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से गुना कर देते हो, है ना। तो आप लिखोगे सर ए इंटू सी लिखेंगे ऊपर में और नीचे में बी और डी को गुना करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया। इसके बाद आप कहते हो कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे दिखते हैं, एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, जरूरी नहीं है कि एक नीचे ही भी रहे, कोई भी नंबर, एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए, अगर उनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन करने का मतलब कोई ऐसा नंबर जो ऊपर वाले नंबर को भी काट दे और नीचे वाले नंबर को भी काट दे, तो वहां पर हम लोग कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर छोड़ते हैं, सरलतम रूप में आंसर छोड़ेंगे, सीधे सीधे गुना करके आंसर नहीं छोड़ते, या गुना करने के पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। जैसे मैं अभी क्लास शुरू होने के पहले भी आपको सिखा रहा था कि अगर मैं क्वेश्चन दू, जैसे लिखा गया है 15/35, गुना करना है आपको 8/40 से। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको, अच्छा किसी का माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर दो, रमेश के नाम से जो बच्ची हो, ठीक अभी बंद है। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कैंसिल करोगे, आप बोलोगे सर 8 के टेबल में सीधे 40 आता है, तो सीधे बोलोगे सर 8 × 5 = 40, ठीक। अब दिख रहा है यहाँ 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 से काटोगे, नीचे 5 बचा ना, 5 से काटोगे 3 बार में कटा, 5 × 3 = 15। अब क्या दिख रहा है, ऊपर में 3 दिख रहा है और नीचे में 35 दिख रहा है, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैंसिल करेंगे और आंसर छोड़ेंगे। इसके साथ आपको एक पूर्ण संख्या और भिन्न को भी गुणा करने सिखाया गया था। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है हमारे पास 40 और इसको गुणा करना है हमारे पास अगर 7/8 से, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर 8 से 40 कट जाता है, तो बोलोगे 8 × 5 = 40, ठीक है। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 5 × 7, तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर 35। ये बताइए, ये दोनों क्लियर हुआ, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये काफी आसान है, और आज जो हम लोग डिवीजन करेंगे ना, डिवीजन में भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं पोल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो रिकॉल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आंसर करिए, काफी आसान है, बस बोला जा रहा है यहाँ पर आपको 9 को गुना करना है 3/2 से, 9 × 3/2। ट्राई करिए इसको, देखो ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले ना 3/2, इसका मतलब होता है 3/2, ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है। देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, अगर कैंसिल नहीं हो तो सीधे सीधे गुना कर दो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। और कितना समय लगना चाहिए, काफी कम समय लगेगा ये क्वेश्चन करने में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट क्लास किए होगे तो काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। बस हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है, हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाइन इंटू 3/2, देखो ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना करो, नीचे के नंबर को नीचे से गुना करो। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया है तो आप 9 को 9/1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी आप गुना कर सकते हो। अभी भी मैं देख रहा हूं 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, अब 5 बच्चे और, देखो कभी भी बैठे नहीं रहो, मैं तो ये बोलूंगा कभी भी आपको बैठना नहीं है, सॉल्व करना है, गलत होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड है, अगर अब तक नहीं हुआ है तो जल्दी से जाकर आंसर करो। देखो जितना अधिक आप आंसर करोगे ना, आपका एक अच्छा रिपोर्ट तैयार हो, ठीक है, तो आंसर जरूर करना है, बैठे नहीं रहना है।
सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखो ऐसे सभी के आंसर सही है, मैक्सिमम एक दो बच्चे का आंसर गलत हुआ, तो जिनका भी गलत है ना वो ध्यान से समझिएगा। देखो इसको आप कहोगे सर 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको 9/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना कर दो, 9 को 3 से गुना कर दोगे तो आप लिखोगे 9 × 3, ठीक है। नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर दोगे तो बोलोगे 1 × 2। अब ये क्या मिल रहा है, 9 × 3 को गुना करोगे 27 मिलेगा, और 2 को 1 से गुना करोगे 2 मिलेगा, तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 27/2। अब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है ना। अब मुझे बताइए कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कैसे है, अगर कोई बताना चाहता है क्या गलती होगी तो आप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये हमारा आंसर होगा, बाकी सारे गलत है, ठीक है। ऐसे सभी के आंसर सही थे, ठीक है, तो जिनका गलत हुआ उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, देखो ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज डिवीजन करते हैं, ठीक है। भाग, किसका भाग, भिन्नों का भाग। अब डिवीजन पढ़ने के पहले, डिवीजन भिन्नों का पढ़ने के पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या रेसिप्रोकल, तो हेडिंग लगाइए स्टार मार के, रेसिप्रोकल क्या होता है या व्युत्क्रम क्या होता है, भिन्न का व्युत्क्रम, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी भिन्न अगर मैं लिख रहा हूं 3/5 में लिख दिया, आप मुझे बताओ माइक ऑन करके जल्दी से बताएगा, यहां पर कोई भी एक बच्चा बता सकते हो कि अंश यहां पर कितना है, एनीवन माइक ऑन करके बताइए जल्दी से, एनीवन कोई भी, कोई नहीं बताना चाहता, चैट में लिख रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 3, तो आप बोलोगे सर अंश हमारे पास 3 है, हर कितना है, हर आपके पास 5 है, ठीक है, अंश 3 है हर 5 है। तो कभी भी आपसे व्युत्क्रम निकालने के लिए पूछा जाए ना, तो आप क्या करना, सीधे सीधे उल्टा कर देना, तो इस 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, 5/3, ठीक है। तो व्युत्क्रम को आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, उल्टा करना है आपको रफली, ठीक है, रफली ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए बस बता रहा हूँ, उल्टा कर देना, ठीक है, 3/5 को 5/3 कर दोगे तो जो नीचे में है वो ऊपर में चला गया और जो ऊपर में है वो नीचे में चला गया, इतना समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूं 12/9 तो इसका व्युत्क्रम, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा जल्दी से बताइए, 12/9 का रेसिप्रोकल, तो आप बोलोगे 9/12, इतना क्लियर है सभी, 9/12, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं लिख दूं और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहीं पे पूछ ले रहा हूं इसको मिटा के, अगर मैं लिख रहा हूं a/b तो a/b का रेसिप्रोकल कितना होगा, व्युत्क्रम कितना होगा, b/a, वेरी गुड, तो आप कह रहे हो b/a, ठीक है। अच्छा ऐसा मत करना, देखो मैं बीच में हर बार क्या लगा रहा हूं, बीच में तीर लगा रहा हूं, ऐसा मत बोलना कभी कि सर a/b का जो रेसिप्रोकल होगा वो b/a होगा, ऐसे लिख दोगे अगर बीच में बराबर का साइन तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा मत लिखना, ठीक है। रेसिप्रोकल के लिए आप तीर का निशान लगाओगे या एरो का इस तरीके से निशान लगा दोगे, ठीक है, क्लियर हुआ, बराबर मत लगाना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि a/b और b/a बराबर है, ठीक, वो मत करना। चलिए मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं सिर्फ भिन्न ही नहीं, अगर मैं लिखूं एक नंबर 12, 12 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कितना होगा, 12 का रेसिप्रोकल कितना होगा, आप बोलोगे सर 12 के नीचे 1 है, अगर 12 है तो 12 के नीचे 1 है, आपको पता ना कोई भी नंबर अगर ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब क्या है, a/1 लिखा हुआ है, तो 12 का मतलब 12/1 है, तो इसको उल्टा करो, तो आप लिखोगे यहां पर 1 और नीचे में लिख दोगे 12, ठीक है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ 5 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो लिखोगे 5/1 और फिर लिखोगे सर यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब रेसिप्रोकल सभी ने सीख लिया, ठीक है।
तो रेसिप्रोकल हमेशा ध्यान रखेगा कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होगा, ए बट्टा बी का। बस इतना ध्यान रखेगा, ए बट्टा बी मैं लिख रहा हूँ, तो ए बट्टा बी का जो रेसिप्रोकल होगा, बी को ऊपर कर देना और ए को नीचे कर देना। अगर मैं एक नंबर दूँ, एक एक का रेसिप्रोकल कितना होगा, ये स्टार मार के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं स्टार मार के लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर एक का रेसिप्रोकल कितना होगा, देखो एक का रेसिप्रोकल एक ही होता है, तो आप बोलोगे सर एक का रेसिप्रोकल एक होगा, क्यों, एक को क्या लिखोगे सर, एक को 1/1 लिखेंगे, इसको उल्टा भी करेंगे तो 1/1 क्या आएगा, 1/1 का मान तो एक ही हुआ, ठीक है। तो अगर मैं कभी कोई ऐसा नंबर पूछूं कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो उस वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम दोनों ही समान है, तो आप बोलोगे एक है वो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बताइए। तो एक का रेसिप्रोकल कितना आएगा, एक आएगा, नोट कर लिया ना सभी ने। तो क्या क्या चीजें आपने नोट किया, आपने नोट किया कि ए बटा बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बटा ए, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं ए का रेसिप्रोकल कितना होगा, ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए 1/a। अगर मैं लिख दूं 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/a का रेसिप्रोकल ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे में यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक का रेसिप्रोकल, एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है, बताइए। ये सभी ने नोट कर लिया, हाँ या ना, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ए बटा बी का, ये समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं ना 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 है, 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 है, तो 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5 आ जाएगा, एक दूसरे का उल्टा होता है, 3/5 का उल्टा करेंगे तो 5/3 आएगा, तो 5/3 को उल्टा करोगे तो ये आएगा। अपने पेन को इमेजिन कर लो, आपका पेन ऐसे है, इसको उल्टा करोगे तो ऐसे आएगा, फिर इसको सीधा करोगे ऐसे आ जाएगा, है ना, समझ में आया। चलिए तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में काफी आसान क्वेश्चन है। मुझे जस्ट इतना बता दो कि 5 का व्युत्क्रम, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, पांच का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपको पता है 5 अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे 1 है, तो इसका आप रेसिप्रोकल करके बताओ क्या आएगा। व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा करना है आपको। अच्छा इसमें तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5 को अगर उल्टा करेंगे, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दो, ऊपर वाले नंबर को नीचे कर दो। देखो 1 होगा, 5 होगा, 1/5 होगा या -5 होगा, ठीक है। तो अभी तक काफी लोग के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, लेकिन सारे लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं, ये मैं हर बार कह रहा हूं, ठीक है। और होना ये चाहिए कि अगर 30 बच्चे ज्वाइन हो तो 30 में 30 बच्चे का आंसर आए, कोई भी बैठा नहीं रहना चाहिए ना, आपका आंसर आना चाहिए। आप क्लास में पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो, आप आंसर करोगे, आपका आंसर सही होगा, अगर गलत भी होगा तो मैं मुझे पता चलेगा ना कि यहाँ पर गलती हो रही है, तो आप आंसर करो। 15 सेकेंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और, पांच सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहां क्या बोला गया है, 5 का रेसिप्रोकल कीजिए, तो 5/1 है, तो इसको अगर आप उल्टा करोगे तो इस 1 को ऊपर कर दोगे,
और 5 को नीचे कर दोगे तो बोलोगे सर 1/5 हो जाएगा, ये तो काफी आसान है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? नेगेटिव कभी ये मत सोचना कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे रेसिप्रोकल होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो हमेशा उल्टा करना है, अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम लोग डिवीजन सीखते हैं। देखो टॉपिक क्या था, डिवीजन। हम लोग रेसिप्रोकल क्यों सीख रहे थे, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम इसलिए सीख रहे थे क्योंकि डिवीजन में काम आएगा। चलिए देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भिन्नों को भाग देने के लिए सीखना है आपको, तो इसको हम लोग तीन तरीके से सीखेंगे। पहले क्या करेंगे, एक पूर्ण संख्या को डिवाइड करेंगे भिन्न से, उसके बाद एक भिन्न को डिवाइड करेंगे पूर्ण संख्या को, उसके बाद एक भिन्न को डिवाइड करेंगे दूसरे भिन्न से। तो तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला नंबर पढ़ते हैं, एक पूर्ण संख्या को डिवाइड करते हैं एक भिन्न से। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड करना है 2 को 1/3 से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 2 को आप भाग लगाइए 1/3 से, तो इसको करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। देखो क्या लिखा गया यहाँ, किसी भी पूर्ण संख्या को, 2 क्या है पूर्ण संख्या, एक भिन्न से भाग करना है, 1/3 क्या है एक भिन्न है। ठीक है, के लिए क्या करते हैं, उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुना कर देते हैं। देखो यहाँ पर गुना आया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा गया, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है बहुत चीज समझ में नहीं आई होगी, तो अभी ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। आप क्या कहोगे, सर जिसको डिवाइड करना ना आगे वाले नंबर को, तो एज इट इज सेम टू सेम लिख दो, तो 2 को मैं 2 ही लिख दिया, भाग किससे करना है 1/3 से, तो यहां पर लगाओगे बराबर का साइन, 2 को मैं 2 लिख रहा हूं, यहां पर आप गुना लिखोगे, और ये 1/3 को देखो जिस भी संख्या से, जो संख्या बाद में लिखी गई है ना, इसको उल्टा कर देना है। तो आप बोलोगे यहां पर भाग को गुना में बदलना है, दूसरी वाली संख्या जिससे भाग लगा रहे हैं उसको उल्टा कर देना है। तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, तो बोलोगे 2 × 3 करेंगे सर, यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, 2 को 1/3 से भाग देने का मतलब 2 को 3 से गुना करना होगा। ये क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया, स्पेच की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो करना क्या है, आप पहले वाले नंबर को फिर से समझो, पहले वाले नंबर को आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा, इस भाग को गुना लिख दो, भाग को चेंज क्या करना है, भाग को बदल कर गुना लिख दो, जो दूसरा वाला नंबर है जो बाद में लिखा गया है उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, और उसके बाद सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए जल्दी से, अगर मैं कह रहा हूँ 9 को आपको भाग लगाना है 3/4 से, आप क्या क्या करोगे, आप बोलोगे सबसे पहले सर 9 को तो मैं 9 ही लिख दूंगा, ठीक है, ये जो भाग यहाँ पर है इस डिवीजन को आप गुना लिख दोगे, ठीक है, डिवीजन को आप क्या करोगे इनटू कर दोगे, ठीक है, स्टेप्स क्या है, डिवीजन को आप बदलोगे गुना में, जो बाद में नंबर लिखा गया है 3/4, इसका 3/4 का रेसिप्रोकल करना है, 3/4 का रेसिप्रोकल करो 4/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4/3। अब इसको गुना कर दीजिए, तो इसको मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में सिखाया ना, 3 से आप काटोगे, 3 × 9 आंसर आ जाएगा 3 × 4 = 12। ये बताइए क्लियर है सभी का, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताओ, 20 को अगर भाग लगाना है मुझे, 20 में भाग देना, 20 क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में एक भिन्न से डिवाइड करना है 5/12 से, डिवाइड करके बताइए, 20 को अगर मैं 5/12 से डिवाइड करूं क्या आएगा, तो आप पहले वाले नंबर को सेम लिख दोगे, 20 को 20 ही लिखोगे। देखो पहले वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा पहले वाले नंबर को नहीं बदलना है, ठीक है, पहले वाला नंबर जिसको भाग दे रहे हो ना वो एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, भाग को बदलोगे गुना में, 5/12 को जो बाद में संख्या लिखी गई है उसको आप उल्टा कर दो, तो ये लिख दोगे 12/5। ठीक है, अब 5 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो आप यहां से आ गया 4 × 12, तो आंसर आ गया 48। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ना कि पहले वाले नंबर को कुछ नहीं करेंगे, पहले नंबर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे वाले को पलटेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए।
बोला जा रहा है 8 भाग 4/5। ठीक है, चलिए करिए इसको। आठ को भाग करना है 4/5 से। क्या क्या स्टेप है? पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग करना है। पहले नंबर को तो एज इट इज उतार दोगे आप, सेम टू सेम लिख दोगे, सॉरी भाग को बदलकर गुना कर दोगे। जिस भी संख्या से भाग लगा रहे हैं इसको उल्टा कर दोगे। ठीक है, ध्यान से करो, आंसर सही होगा, क्योंकि इससे आसान नहीं हो सकता, काफी आसान है। बस कॉपी पेन लेकर बैठो क्लास में। और अच्छा, जितने बच्चों का हो गया ना सॉल्व कर लिया, तो अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया। मैं आपके स्टेप्स देखना चाहता हूँ। बैक कैमरा ऑन करिए और दिखाइए आपके आंसर क्या है और किस तरीके से आपने सॉल्व किया। एनीवन, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अभी काफी बच्चे दिखा रहे हैं, अंजू, राम, आयुष, साहिल, ठीक है, राजू, ठीक है ठीक है। जितने बच्चे ने दिखा दिया ना फिर बंद कर लो, बस एक बार आपको दिखाना है सॉल्यूशन कि आपने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, सुमित्रा आपका भी आंसर सही है। ठीक है, देखो आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, काफी आसान है, बैठे रहोगे कभी नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, सोनम आपका भी आ गया है। जतिन आपकी कॉपी नहीं दिख रही है मुझे, काफी अंधेरा सा दिख रहा है। आपको बैक कैमरा ऑन करना है, फ्रंट कैमरा नहीं ऑन करना है, बैक कैमरा ऑन कर लो। हाँ आपका दिख गया सोनम, आपका दिख गया, अभी मुझे दिख रहा है। चार बच्चों का आंसर नहीं आया, तो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ। ठीक है, अनीश के नाम से जो बच्चे, आपका कॉपी दिखाओ, आपका अभी कॉपी नहीं दिखा मुझे, आप अपना कॉपी दिखाओ। ठीक है, अच्छा कैमरे को ना थोड़ा अच्छे से पकड़िए, उतना हिलेगा तो फिर नहीं दिख पाता है। ठीक है चलिए, ठीक है, तो अभी मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं इसको। चलिए कोई भी अगर बताना चाहता है तो मेरे साथ बताओ माइक ऑन करके कि आपने कैसे सॉल्व किया। आप क्या करोगे, 8 को 8 लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद आपने क्या किया, कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो। सर हमने गुणा किया इसको। ठीक है, भाग को बदल के गुणा कर दिया, उसके बाद क्या किया सर, 4/5 का व्युत्क्रम करके 5/4 कर दिया। वेरी गुड, 4/5 का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, है ना, तो इसको लिख दोगे 5/4। ठीक है, अब क्या करोगे सर, इसको 4 और 8 को काटेंगे, 2 से कटेगा और 2 को 5। वेरी गुड, 4 को काटा, अब माइक बंद कर दो। वेरी गुड, क्या नाम है आपका, आप नाम बता दो। एकता, ठीक है वेरी गुड एकता। तो आप बोलोगे 4 2 8 और 2 और 5 को गुना करेंगे, तो 2 × 5 कितना आएगा, 2 × 5 हमारे पास 10 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है ना, और सभी को सही था ना। अगर किसी का गलत भी हुआ, जस्ट मुझे एक ही बच्चे का आंसर गलत दिखा था। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, बताइए हाँ या ना। अगर कोई भी डाउट है छोटा सा भी, तो आप अभी पूछ सकते हो माइक ऑन करके, अगर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, पूर्ण संख्या को भाग लगाया था भिन्न से, ये हमने कर लिया। अभी क्या करते हैं कि भिन्न को डिवाइड करेंगे एक पूर्ण संख्या से, इसका उल्टा। तो इस बार क्या करना है, अच्छा माइक अपना बंद करोगे, संदीप के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद कर लो। अब क्या करते हैं, देखो भिन्न को डिवाइड करना है पूर्ण संख्या से, तो नियम बिल्कुल सेम है। आप क्या करोगे, 5/6 जिसको भाग देना है ना, इस वाले संख्या को एज इट इज सेम लिख दोगे। ठीक है, सेम लिख देना है इसको। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 5/6 में लिख रहा हूँ। ठीक है, इस भाग को, उसके बाद बोलोगे सर उसके बाद क्या दिख रहा है,
भाग दिख रहा है, तो इस भाग को बदलकर गुना लिख दोगे। अब यहां पर क्या दिख रहा है, दूसरा वाला जिससे भाग देते हैं, हमेशा याद रखिएगा जो आपका भाजक होगा ना, जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग उल्टा करते हैं। तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो यहां पर 5 लिखा गया है, तो 5 का रेसिप्रोकल कोई बताइए जल्दी से, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा। तो बोलोगे सर यहां पर मैं लिख दूंगा 1/5, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 का रेसिप्रोकल किया गया, तो 5/1 है ना ये, तो 5/1 को उल्टा किया, 1/5 आ गया। अब मुझे 5 से 5 कटता हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आएगा, 1/6 आएगा। इतना क्लियर है, बताइए जल्दी से, काफी आसान है ना। तो हमको रेसिप्रोकल किसे करना है, बाद वाले संख्या को करना है, पहले वाली संख्या को हमेशा एज इट इज लिखना है, जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो ना उसको ऐसे ही लिखेंगे, बाद वाले जो लिखा है उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो क्या लिखा गया था नियम, किसी सर भिन्न को, सर हाँ बताइए, सर इसे जो एक मिनट पकड़े रखो सर, हाँ जो बताइए, जो एक दूसरे से कट जाते हैं उनको जोड़ना पड़ता है या वैसे के वैसे रहने देते हैं सर? देखो यहां पर, देखो यहां पर मैं बता रहा हूँ 5/6 को, अच्छा अभी आप माइक बंद करो, ठीक है, 5 से भाग लगाना है, तो आप बोलोगे 5/6 × 1/5। अब यहाँ 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया, अब यहाँ पर 5 अगर कट गया तो ऊपर में 1 बचा ना, अब ये 1 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, 1 × 1, और नीचे में ये 6 है और यहाँ पर 1 है, तो 6 × 1, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, है ना, होता ये है। लेकिन अगर कट गया तो आप बोलोगे सर पूरी ही नंबर अगर कट गई है तो वहां पर 1 बच रहा है, और 1 को किसी भी नंबर से गुना करने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ भी नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को नहीं भी लिखोगे ना तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और जोड़ते कभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसा मत करना कि ऊपर वाले नंबर को जोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं, बस गुना करना है, ठीक है। तो a/b × c/d है ना, तो ऊपर के नंबर को ऊपर गुना करोगे और नीचे को नीचे से गुना करेंगे, जोड़ना तो कभी नहीं है इसमें, क्लियर हुआ, बताइए, जिनका भी डाउट था असलम आप बताओ, अब समझ में आ गया ना, हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक, जोड़ना नहीं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पर वही चीज लिखा गया था, 5/6 को 5 से भाग लगाना है, तो 1/5 उल्टा किया और 1/6 आंसर आया। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने 50/8, इसको भाग लगाना है आपको 40 से। देखो आप क्या करोगे, पहला वाला जो नंबर है ना, जिस भी संख्या को आप भाग लगा रहे हो इसको तो एज इट इज लिख देना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको 50/8 ही लिख दोगे। ये जो भाग लिखा हुआ है, भाग को बदलकर गुना कर देना है, तो यहां पर गुना लिख दोगे। भाग करने का मतलब यही होता है कि 40 में भाग देने का मतलब 40 के व्युत्क्रम से गुना कर देना, तो 1/40 लिख देंगे, 40 का उल्टा क्या होगा, 1/40 होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, ये 0 से 0 कैंसिल होता है, अगर 0 आखिरी में है तो 0 से 0 कैंसिल होगा। अब कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ नहीं कटेगा, यहां पर से आपका आंसर आ जाएगा 5/8 × 4 = 32, ठीक है, 5/32। अच्छा यहाँ पर हाँ कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/32, इतना क्लियर है, बताइए। अगर मैं कहूं 16/15 को आप भाग लगाओ 4 से, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आप 16/15 को तो ऐसे ही लिख दोगे, ये आंसर आप ही बताओ, सभी लोग बताइए, और अगर किसी को माइक ऑन करके भी आंसर देना है तो आप दे सकते हो। तो ये 4 है तो 4/1 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ही भाग को गुना करोगे ना तो बाद वाले नंबर को आपको पलटना होगा, तो इसको लिखोगे 1/4, और 4 से काटोगे, 4 बार में कटेगा, तो अब मुझे दिख रहा है 4 को 1 से गुना करना 4 आएगा, और 15 को 1 से गुना करोगे 15 मिलेगा, ठीक है, तो 4/15 आंसर आएगा, ठीक है। अगर और कटता तो और काटते और सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, फाइनल आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। चलिए अभी भी किसी का डाउट है क्या, छोटा सा भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन है आपके सामने, आपको करना है 10/11 में भाग लगाना है 20 से 20 से, एक फ्रैक्शन को एक पूर्ण संख्या से भाग देना है। देखो 20 का रेसिप्रोकल क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, हमेशा बिल्कुल स्टेप सेम होगा। पहले वाले नंबर को जिस संख्या में भाग देना है वो वाला संख्या तो एज इट इज आ जाएगा, फिर भाग को आप बदल कर गुना कर दोगे, भाग को हमेशा आप बदल कर गुना कर देगो। जिस संख्या से भाग लगाना है उसको आप उल्टा करते हो, उसका व्युत्क्रम लेते हैं यानी रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है? वेरी गुड, अभी तक तो सभी आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ ना, हड़बड़ी बस नहीं करो, ठीक है? जल्दबाजी में आंसर करने से बेटर है आप टाइम लो अपना, लेट से आंसर करो लेकिन सही आंसर करो, क्योंकि आप एक बार आंसर जब क्लिक कर दोगे ना, वोट कर दोगे, फिर आपको आंसर चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। और कॉपी दिखा सकते जिनका भी हो गया। हाँ काफी बच्चों दिखा रहे, वेरी गुड। साहिल, अंजू, आयुष, अच्छा हो सकता है मैं आपकी आईडी नेम ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपके नाम काफी लोग के मुझे नहीं याद है, तो आपके आईडी नेम से मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है? सुमित्रा, थोड़ा सा आप और जूम करके दिखाओ सुमित्रा, आप थोड़ा सा, ठीक है, सही है आपका। अनीस के नाम से जो बच्चे हो आपका भी ठीक है। राजू नायक के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा कैमरा को और पास ले जाओ, ठीक है? ठीक, अभी बंद कर दो, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक तो मुझे जितने आंसर दिखे सभी के आंसर सही दिखे, लेकिन पोल सेक्शन में एक बच्चे का आंसर मुझे गलत दिख रहा है, ठीक है? सोनम का आंसर आया, सोनम कितना आंसर आया आपका, आप माइक ऑन करके बता सकते हो क्या आपका आंसर क्या है? आप माइक ऑन करके बताइए आपका आंसर क्या है, सर 1/22। मतलब ऑप्शन डी, ठीक है? देखते हैं क्या आंसर होने वाला है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, अब 10 सेकंड और रुकेंगे, चलिए 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और। देखो बैठे नहीं रहना है, बैठे रहोगे कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है? सॉल्व नहीं होगा आपसे जब तक आप अपना कॉपी नहीं यूज करोगे, अपना कलम नहीं चलाओगे, खुद से सॉल्व नहीं होगा ना, आपको सॉल्व करना होगा। और गलती करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे आप गलती करके। चलिए 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, आखिरी 10 सेकंड, अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। फाइव सेकंड, 5 4 3 2 1, सॉरी। देखो तो यहां पर अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहां पर आप क्या करोगे, जिस भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं ना, भिन्न को डिवाइड कर रहे हैं, तो भिन्न को तो एज इट इज सेम टू सेम लिख दोगे, इसको आप उल्टा नहीं करोगे, ठीक है? आप बोलोगे सर यहां पर मैं 10/11 तो ऐसे ही लिख दूंगा, आगे वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, इस भाग को बदल करके गुना लिखना है। 20 को आपने क्या लिखा, 20 बोलोगे सर 20 से भाग दे रहे, तो 20 का मतलब वो 20/1 है, और 20/1 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर लिख देंगे सर 1/20, ठीक? अब ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 0 यहां पर, 1 0 यहां पर, या कहोगे सर 10 से मैं 20 को कैंसिल करूं, 10 दूना 20 आएगा, ठीक है? अब मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर में कुछ दिख रहा है क्या? ऊपर में सिर्फ एक दिख रहा है, तो 1 गुना 1 दिखा ऊपर में, नीचे में क्या दिखा, 11 × 2, तो बोलोगे सर 11/22 आंसर आएगा, सॉरी
1/22 आंसर आएगा, ऊपर में एक है ना, तो एक इंटू एक करने पे कितना मिलेगा, एक इंटू एक किया तो एक मिला, ठीक है, तो आंसर आया 1/22। क्लियर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ये क्लियर हुआ 1/22 होगा, और मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे। अच्छा जिनका गलत हुआ वो बताइए, उनको समझ में आया, माइक ऑन करके ही बता सकते हो कि सर मेरा गलत हो गया, अब समझ में आ गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप बताओ समझ में आ गया ना अब, जिनका आंसर इसमें से था, क्योंकि कुछ बच्चे के आंसर मुझे दिख रहे थे। यस सर। अब ठीक है चलो, तो 11/22 कैसे आया हमने सीख लिया, अब आगे बढ़े, तो अब हमें क्या सीखना है, जिस तरीके से अभी देखो आपने क्या देखा, अभी आपने सीखा एक भिन्न को डिवाइड करना था एक पूर्ण संख्या से। अगर मैं बोलूं कि आपको अगर एक मिश्र भिन्न को डिवाइड करना है एक पूर्ण संख्या से, तो मेथड कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी मेथड नहीं बदलेगा, सेम तरीका होगा, ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम होगा, बस करना क्या होगा, मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में पहले बदल दोगे, ठीक है, मिश्र भिन्न को अनुचित में बदलोगे, उसके बाद सारी प्रोसेस सेम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या से डिवाइड करना, बोला जा रहा है 4 पूर्णांक 2/3 को 7 से भाग लगाइए, आप क्या लिखोगे मुझे बस इतना बताओ, 4 पूर्णांक 2/3 को अनुचित भिन्न के फॉर्म में क्या लिखते हैं, एनीवन, जो भी पहले बता सकता है माइक ऑन करके बता दीजिए, सर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को प्लस कर देंगे 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, 12 को 2 से प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। वेरी गुड, तो आप लिखोगे 4 को 3 से गुना किया, सर आगे वाले और नीचे वाले नंबर को गुना करते हैं 4 3 12 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 14 आ जाएगा और नीचे वाला तो सेम रहता है तो यहाँ पर 3 रहेगा, तो हमें भाग करना है इस वाले नंबर को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखो 14/3, ठीक है, तो इसको मैं लिख दिया 14/3, यहाँ पर भाग है मैं भाग लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 7, तो ये क्वेश्चन जो था ये तो मैं क्वेश्चन ही लिख दिया सेम, ठीक है, पहला स्टेप में क्या करोगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया, ठीक है, ये कन्वर्जन मैंने सिखा रखा है। उसके बाद तो 14/3 लिख दिया यहाँ पर मैं, अब ये जो भाग है ये भाग के साइन को क्या करोगे, गुना कर देंगे, ठीक है, रिपीट कर दूं, ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ आयुष, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, 14/3 किया, फिर भाग को गुना कर दिया, अब ये 7 का मतलब क्या हुआ, ये 7/1 है, तो 7/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 7/1 का रेसिप्रोकल बोलोगे सर 1/7 होगा, तो यहाँ पर लिखोगे सर 1/7, ठीक है, हमेशा सेकंड वाले नंबर को जो बाद में है ना जिससे भाग लगाना है उससे डिवाइड करेंगे, तो मैं 7 से अगर काटू तो ये दिख रहा है 7 × 2 = 14, तो आंसर कितना आ रहा है 2/3। चलिए अब बताइए किसको समझ में नहीं आया, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, और अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लो जल्दी से, जल्दी से, इतना वेट नहीं करना, सर पहले से समझा दो ये, ठीक है, ये मैं पूरी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, चलिए आप अपना माइक ऑन रखो, आप मुझे बताओ ये आपको मिश्र भिन्न दिख रहा है ना, ठीक है, बताइए माइक ऑन रखिए आप अपना, यस सर, यस सर, चलिए जिनका डाउट है वो माइक ऑन रखेंगे, चलिए बताइए इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखोगे, 14/3, वेरी गुड, तो बोलोगे 14/3, इतना तो क्लियर है, इसको कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे देखो करना क्या था, इस वाले नंबर को 7 से भाग लगाना था, अब इस वाले नंबर को बोल दो सर ये जो है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 14/3 के बराबर, तो मतलब 14/3 में ही तो 7 से भाग लगाना है, यही चीज हुआ ना कि 4 पूर्णांक 2/3 में से 7 भाग लगाओ या 14/3 को 7 से भाग दो, अब यहाँ पर लिखोगे सर 14/3, बाकी प्रोसेस सेम होगा, अब इस भाग को आप क्या करोगे, इस भाग को बदलकर गुना लिखोगे, और जैसे ही भाग को गुना लिखते हैं ना उसके बाद जो नंबर लिखा गया है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 7 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 1/7 होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/7, ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, अब यहाँ पर बोलोगे सर 7 का टेबल मुझे पता है 7 × 2 = 14, अब क्या दिख रहा है 2/3, ठीक है, ऊपर में सिर्फ 2 दिखा नीचे में 3 दिखा, क्लियर हुआ, बताइए, यस सर, ये समझ में आ गया ना, ठीक, तो पहला 2 स्टेप्स याद रखने हैं आपको, पहले स्टेप में क्या करोगे,
देखो पहले स्टेप में मैंने किया मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या विषम भिन्न को ही अनुचित भिन्न कहते हैं में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। उसके बाद 14/3 में 7 से भाग लगा दोगे, तो 14/3 में अगर 7 से भाग लगाओगे तो होगा 14/3 में 1/7 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद 2/3 मिला। चलिए तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल दूंगा। ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, सभी लोग सॉल्व करेंगे, चैट में आंसर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चार पूर्णांक, अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम हो गया ना, अब 5/2 को भाग लगाना है आपको 15 से। चलिए ये बताइए, 5/2 को 15 से भाग लगाना है, पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे, है ना, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको आप कन्वर्ट करके बोलोगे सर 5 × 25 = 27, तो आप लिखोगे यहाँ पर 27/5, इसको डिवाइड करना है 15 से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 27/5 यहाँ पर लिखोगे इनटू, ठीक है, इनटू करके क्या लिखोगे, 15 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, मतलब 15 को उल्टा करेंगे तो 1/15, ठीक है, 1/15 आया। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ क्या, बताइए यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो अभी क्या करोगे, अब इसको कैंसिल करो, आप बोलोगे सर मैं 5 से काट रहा हूँ, तो 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के टेबल में देखो 15 भी आता है और 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो बोलोगे 3 × 15 = 3 × 27, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, तो राम का आंसर आ रहा है 9/25, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 9 दिखा, 9 × 1 और नीचे में 5 × 5 दिखा, तो 9/25 बिल्कुल सही आंसर, क्लियर हुआ। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख दूं सर, हाँ बताइए सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो सर ये सवाल। चलो ये सवाल मैं रिपीट करता हूँ, चलो ये बताइए मुझे कि 5/2 ये किस प्रकार का भिन्न है, जल्दी से बताओ माइक ऑन कर, उचित अनुचित या मिश्र, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का गुना या भाग जब भी आएगा ना डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर पाओगे, इसको आपको अनुचित या विषम भिन्न में बदलना होगा, ठीक है, मैंने आपको ये स्टेप बताया, अनुचित या मिश्र भिन्न में आपको इसको बदलना होगा विषम भिन्न, इसको कन्वर्ट करोगे आप बोलोगे सर 5 और 5 को गुना करेंगे 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे 5 × 25 = 26 / 27/5, ये कन्वर्जन मैंने कई बार बताया है। इस भाग को आप गुना लिख दोगे, 15 को क्या करोगे, 15 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/15 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/15, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, बताइए। यस सर, यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप कैसे सॉल्व किया आपने, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना करने के पहले मैं देख रहा हूँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो मुझे दिख रहा है नीचे में 15 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे 27 दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है ना कि 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो 3 से 15 भी कट जाएगा और 3 से 27 भी कट जाएगा, तो आप बोलोगे 3 × 15 = 3 × 27, है ना, तो ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है 9 और ये 1 दिख रहा है, तो 9 को 1 से गुना कर दो, ऊपर में गुना करना, देखो यहाँ गुना का साइन, तो आप गुना करोगे और नीचे 5 × 5, तो आपका फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, 9/25, बताइए इतना क्लियर आ गया। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आ गया तो इसको करके बताइए मुझे, अगर मैं लिख रहा हूँ 4/3/8, ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, चलो ठीक है, मैं बस 7 दे रहा हूँ, 7 से डिवाइड करिए, आंसर आपको लिखना है चैट में, जितने भी आंसर दोगे मैं सारे आंसर यहाँ पर लिख दूंगा, और अभी क्लास नहीं लेफ्ट करना है, क्लास अगर पूरा करोगे शुरू से एंड तक तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपका अटेंडेंस भी लगेगा ना। तो आंसर आ रहे हैं 5/8,
लोग के आंसर आ रहे हैं 5/8, सभी के आंसर 5/8 है क्या? और अगर सभी के 5/8 है मतलब सही हो गए, सही होगा। अभी सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है? चलिए मुझे बताइए जल्दी से, आप ही लोग बताओगे, ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल के आपने कितना लिखा? माइक ऑन करके बताओ जल्दी से, एनीवन? चार पूर्णांक तीन बटा यार आठ, 35/8, वेरी गुड। तो बोलोगे चार और आठ को गुना किया तो आया 32, 32 में तीन को जोड़ा तो 35, तो लिखा सर 35/8। उसके बाद क्या किया, इस भाग को आपने क्या किया, भाग को गुना में बदल दिया। इस सात को क्या यस करोगे, 7/1 को 1/7 लिख दोगे। अब यस आपने क्या सर, किया, अब सात का टेबल पढ़ोगे, 7 पंजे सात मतलब दिख पंजे रहा है, कट 35 सर, गया। अब ऊपर में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नीचे में कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 5/8 आठ जी, तुम्हारा। ठीक, यस। चल अभी मैं पोल में दे रहा हूँ, ठीक है? चल सभी लोग आंसर करना। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा शायद, क्वेश्चन क्या है, 8 पूर्णांक 4/6 है, ठीक है? 4/5 है, इसको डिवाइड करना है 11 से, ठीक है? 8 पूर्णांक 4/5 है, पोल में आंसर करोगे। एट होल 4/5, पहले तो आप क्या करोगे, आपको पता है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जो भी आप कहते हो उसमें कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। उसके बाद भाग को गुना में बदलिए, जिस भी संख्या से भाग लगा रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, गुना कर दो, आंसर तैयार। हड़बड़ी मत करो, ठीक है? अभी दिख रहा है मुझे कि इस क्वेश्चन में आंसर गलत हो रहे हैं, और आंसर गलत होने का बस एक ही रीजन है कि आप हड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है? देखो पहले आंसर करके आपको कुछ नहीं होना है, ठीक है? आपको आंसर सही करना है। आपका अगर एग्जाम रहता है 3 घंटे का या 2 घंटे का, तो आप 1 घंटे में पेपर दे के आ जाते हो क्या? नहीं करते हो ना, एग्जाम में पूरे समय में आप बैठे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर मैं गलती कर दूं जल्दबाजी में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। तो आप मान के चलो ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। एक बार आंसर देने के बाद आप आंसर बदल नहीं पाओगे, ठीक है? तो 8 पूर्णांक 4/5 को अगर आप 11 से भाग लगाने का मतलब क्या हुआ, भाग को गुना में बदलिए। चलिए तो जिनका हो गया है वो माइक ऑन, सॉरी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, माइक नहीं ऑन करना है, कैमरा ऑन करके अंजू दिखा रहे हैं अपना आंसर, आयुष, सुमित्रा, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे जितने आंसर दिख रहे हैं सही दिख रहे हैं। साहिल आपका आंसर दिख नहीं रहा है मुझे, आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, आपकी कॉपी नहीं दिखी, साहिल के नाम से जो बच्चे हो। चलिए आंसर कीजिए, काफी कम आंसर क्यों आए हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो अनीस दिखा रहे हैं, वेरी गुड। देखो सिर्फ बैठे मत रहो, अभी मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, इतना ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फिफ्टीन सेकंड और, अभी मुझे दिख रहे हैं 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो अभी रमेश दिखा रहे हैं अपना आंसर, रमेश के नाम से जो भी बच्चे हो, वेरी गुड। तो कई बार आप आंसर दिखाते हो ना तो मुझे कुछ स्टेप्स में कुछ गड़बड़ियां दिख जाती है, तो आपके अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? आपका नाम लेकर, ठीक है? तो आप दिखा दिया करो पूरा स्टेप कि आप किस तरीके से सॉल्व किया है आपने। जैसे अभी रमेश दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका, पूरा आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो 10 सेकंड और, अभी भी आंसर नहीं आए हैं सभी के, 3 बच्चे अभी भी हो। तो संदीप का आंसर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 5 सेकंड और। चलिए अब एंड करते हैं, 5, 4, कैमरा बंद करिए, 3,
2-1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर, इसको समझ लेते हैं बोला क्या जा रहा है। देखो आपको डिसाइड करना है कि भार किसको देना और किससे देना है। तो भार इस वाले नंबर को देना है, 8 पूर्णांक 4/5 को भाग देना है। ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है ना, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको कन्वर्ट किस में करोगे, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे। मुझे जल्दी से बताओ अनुचित भिन्न में आपने कन्वर्ट किया, काफी बच्चों के आंसर मुझे दिखे थे कॉपी में, सभी के सही थे। इसको कन्वर्ट करके कितना आ रहा है, तो आंसर चैट में दिख गया 44/5। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो बोलोगे सर 44 by 5। इसको भाग किससे करना है, भाग करना है 11 से। ठीक है, 11 से भाग करेंगे। पहले कन्वर्जन बहुत जरूरी है, बिना कन्वर्जन के आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, करोगे तो गलती होगी। 44 by 5 भाग को बदल के गुना कर दोगे, 11 की जगह पर क्या लिखेंगे, 11 का व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 11 है तो ये 11/1 है, 11/1 को उल्टा कर दोगे 1/11 मिलेगा। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर 1/11 लिखेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ कटते हुए, क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर 11 के टेबल में 44 आता है, 11 नीचे है 44 ऊपर है, तो 11 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 11 × 44। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ क्या क्या देखा, 4 देखा ऊपर में, ये 1 है तो 4 को 1 से गुना करोगे, या ऐसे ही 4 लिख सकते हो, गुना भी करोगे तो 4 × 1 = 4 ही आएगा। नीचे में सिर्फ 5 दिख रहा है तो बोलोगे सर 5 आएगा, यहाँ पर 1 है, 11 × 1 = 11, तो 1 लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, आंसर आपका 4/5 आएगा। ठीक है, बताइए ऑप्शन नंबर सी थे सभी के आंसर, किनका किनका सही हुआ, जिसका सही हुआ वो वाई लिखेंगे, जिसका गलत हुआ वो एन लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही था, जिसका गलत हो गया वो ही बता सकते हो एन लिखकर, किसी का गलत नहीं हुआ, एक दो आंसर गलत थे, सभी के सही थे क्या? ठीक है, जिसका गलत था ना बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा गलत था, मैं कंफ्यूज हो गया था सर। क्या कंफ्यूजन हुआ था आप बताओगे? सर मैं एकदम से मतलब कंफ्यूज नहीं हुए? देखो गलती क्या हुआ ना, आप कंफ्यूज नहीं हुए हो, मुझे पता है आप हड़बड़ी किए हो। ठीक है, आप जल्दबाजी में आंसर किए हो, जबकि मैं जब भी पोल देता हूँ ना आपको कहता हूँ कि बिल्कुल समय दिया जा रहा है, आराम से करो। ठीक है, चलिए आगे से ऐसा नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर, चलो ठीक। तो आज की क्लास देखो समय हो चुका है, तो अभी मैं इतना ही पे एंड करता हूँ। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले, अभी देखो हम लोगों ने एक भिन्न को भिन्न से भाग देना नहीं सीखा, तो अगले क्लास में बस एक भिन्न को एक भिन्न से डिवाइड करेंगे और फिर आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है तो रुक के पूछ लो, या मैं होमवर्क दिखा दे रहा हूँ, होमवर्क आपको